हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीफ गॉल डिजीज के बारे में। देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पत्तियाँ हैं वो लीफ गॉल डिजीज से ग्रसित हैं। और ये जो पत्तियाँ हैं वो हैं करंज के पादप की, जो कि हमारे यहाँ पर पाया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन प्लांट है और एक ये मेडिसिनल प्लांट है। तो करंज, जिसका कि बोटनिकल नेम है मिलेटिया पिनेटा, मिलेटिया पिनेटा की ये लीव्स है जो कि लीफ गॉल डिजीज से ग्रसित हैं। इसमें देखिए, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो है, ये सभी आप देख रहे हैं, जिस तरीके से कोई बड़ होती है, लीफ की बड़ जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, लेकिन ये जो है गोल हैं सभी। और ये जो गोल हैं वो परिणाम होती हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया का, जिसमें सेल की जो साइज है और साथ ही साथ नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ये मलफंक्शंस या एक तरीके से कह सकते हैं कि कुरचना जो है वो बन जाती है पत्ती की सरफेस पर। ये हमें जो है इस लीफ की जो अपर सरफेस है उस पर ही देखने को मिलती हैं। और ये जो देखिए किस तरीके से इस पूरी पत्ती को जो है नुकसान पहुंचाती हैं, और पूरी पत्ती की जो एक तरीके से मॉर्फोलॉजी जो है वो इसने बदल दी है, संरचना जो है इसने बदल दी है पूरी तरीके से। और एक पूरी जो पत्ती है वो इससे देखिए किस तरीके से प्रभावित हो जाती है। और ये जो गॉल्स हैं ये बनती हैं डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स के द्वारा या पैरासाइट्स के द्वारा, उनका जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण जो है ये लीफ गॉल बनती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम आसानी से ये माइट्स और जो इंसेक्ट्स हैं उनका इन्फेक्शन देख सकते हैं। ये जो हम यहाँ पर गॉल्स देख रहे हैं, एक तरीके से ये जो इंसेक्ट होते हैं, इन इंसेक्ट्स की प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती हैं। और इन गॉल्स के अंदर हम इन इंसेक्ट की डिफरेंट स्टेजेज को और उनके लार्वाज को जो है देख सकते हैं। और ये जो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिनको हम गॉल्स कहते हैं, ये गॉल्स दरअसल बनती हैं इन कीटों के द्वारा। एक तरीके से ये जो प्लांट्स के जो हार्मोनल जो चेंज किए जाते हैं उसके कारण जो प्लांट के जो हार्मोन होते हैं उनमें चेंज आ जाता है, और जिससे कि ये लोकल जो प्लांट जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। और उससे जो है ये जो सेल्स की जो नंबर है उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है और ये जो गॉल्स हैं वो बन जाती हैं। और इन गॉल्स के अंदर, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि इनके अंदर जो है इंसेक्ट साथ ही माइट्स जो है वो अंदर पाए जाते हैं। अब यदि इस मिलेटिया पिनेटा की इस डिजीज के कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जो है मिज और माइट्स की जो स्पीसीज हैं उनके कारण होता है, जिसमें से यदि मिज स्पीसीज की बात करें तो मायरोकोमिया पोगेमी जो कि एक मिज स्पीसीज है, साथ ही एक माइट की स्पीसीज एरियोफाइच चेरियोनी के द्वारा जो है ये होता है। तो इस प्रकार ये जो है हमें माइट्स के द्वारा जो है देखने को मिलेगा। देखिए, ये निचली वाली सतह पर भी जो है हमें देखने को मिल रही है लीफ गॉल। तो ये जो लीफ गॉल्स हैं वो पत्तियों के अलावा तने पर भी या अन्य जो पार्ट्स हैं प्लांट के उन पर भी जो है देखने को मिलती हैं, और ये नेगेटिव तरीके से प्लांट को जो है अफेक्ट करती हैं, और इससे जो है पादप को काफ़ी नुकसान जो है होता है। और ये देखिए पत्तियां जो है किस तरीके से इससे बुरी तरीके से जो है प्रभावित होती हैं, और पूरी पत्ती की जो स्ट्रक्चर है वो इसके कारण ख़राब हो जाती है, और ये जो पत्ती है बाद में कटी फटी जो है जगह जगह से इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कट जाती है। ये देखिए होल बन जाते हैं इन पत्तियों में, और एक तरीके से ये कुरचनाएँ जो हैं प्रतीत होती हैं हमें देखने में।
ये देखिए कितना जो है इसने इस पूरी पत्ती को जो है ख़राब कर दिया है। तो एक तरीके से यदि हम इन गॉल्स के फॉर्मेशन को देखें तो ये पैरासिटिज्म का भी एग्जांपल है, जिसमें ये जो माइट और जो मिज की स्पीसीज हैं वो पैरासाइट के रूप में इस गॉल्स के अंदर जो है रहती हैं, और साथ ही जो है ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया जो कि हमें परिणाम के तौर पर देखने को मिलते हैं उसके कारण जो है ये बनती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।